अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हम ग्रे हेयर कवरेज किस तरह से अच्छे तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइट शेड में अपने बालों को किस तरह ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाइट ब्राउन खूबसूरत सा फैशन कलर करना चाहते हो तो हमें कौन से कलर नंबर यूज़ करने होंगे और किस तरीके से ग्रे कवरेज होगी। ये इनके वर्जन हेयर है, पहले कोई कलर नहीं लगा हुआ और लंबे लंबे वाइट बाल हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी क्यूने का 7UC 6.19 और 1511। ठीक है, ये तीन नंबर्स हम यूज़ करके इनकी कलर एप्लीकेशन करेंगे। ये जो 7UC और 6.19 है, 20 वॉल्यूम के साथ इसकी रूट्स में एप्लीकेशन करूँगी और 1511 की 30 वॉल्यूम के साथ लेंथ पे एप्लीकेशन करूँगी। ठीक है, 30 वॉल्यूम के साथ लेंथ पे एप्लीकेशन करेंगे तो वो लाइटर कलर हो जाएगा और रूट्स में हमेशा 20 वॉल्यूम के साथ एप्लीकेशन होती है। तो सबसे पहले मैंने इनकी हेयर की थी कटिंग। ठीक है, इन्होंने कटिंग भी करवानी थी और हमने इनको किया था लेयर्स और स्टेप्स मिक्स हेयर कट। तो अच्छी तरह से ये कटिंग करने के बाद मैंने इनको कलर हेयर ड्राई किया और फिर कलर अप्लाई किया। कलर अप्लाई करने की वीडियो इसमें से मिसिंग है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा जब काम कर रही होती हूँ तो वो हर वीडियो को रिकॉर्ड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह का कलर, खूबसूरत सा ब्राउन कलर अचीव करना चाहते हो बग़ैर कट डाउन के, तो आप और आपके ब्लैक हेयर हैं या डार्क कलर के हेयर्स हैं तो आप अपनी लेंथ पे 1511 के साथ एप्लीकेशन करेंगे, 1511 की 30 वॉल्यूम के साथ एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, आपने लेंथ पे 30 वॉल्यूम अप्लाई करना है, रूट्स में आपने 1511 नहीं अप्लाई करना, सिर्फ 7UC हाफ ट्यूब और 6UC की हाफ ट्यूब 20 वॉल्यूम के साथ आपने पूरी रूट्स में अप्लाई कर लेनी है। एक एक इंच रूट्स में आप 20 वॉल्यूम के साथ दिए 7UC और 6.19 की एप्लीकेशन करें, ग्रे हेयर कवरेज अच्छे से हो जाएगी और जो 1511 है वो आपकी लेंथ पे भी लाइट कलर कर देगा। ठीक है, कलर आपका सेम ही आएगा। और 1511 जब मैंने कलर एप्लीकेशन की और रूट्स टचअप भी किया तो रूट्स तो हमारी अच्छी से कवरेज हो गई थी, लेकिन जो लेंथ पे थे वाइट हेयर्स वो हमारे अच्छे से कवर नहीं हुए थे। तो फिर मैंने दोबारा 7UC 20 वॉल्यूम के साथ इनके हेयर्स पे अप्लाई किया लेंथ पे, जहाँ जहाँ मुझे वाइट कवरेज रह गई थी, और ये इनके बालों का कलर था विदाउट कट डाउन। ठीक है, और ये इनका हेयर कट था। ठीक है, आपने बिफ़ोर भी देखा और आफ्टर भी देख लें। अगर आप 7UC 6.19 विद 20 वॉल्यूम के साथ अपने रूट्स को टचअप करते हो तो इस तरह का लाइटर शेड, बहुत खूबसूरत सा कैरमल ब्राउन शेड आप अचीव कर सकती हैं। और लेंथ को अगर हमने लाइट करना है तो उसके लिए हमेशा फैशन कलर का यूज़ करके, जो 1511 है, 1519 है, 30 वॉल्यूम के साथ आप उसकी एप्लीकेशन कर लें, आपको सेम ही कलर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपकी ग्रे कवरेज नहीं हुई तो आपने थोड़ी सी 7UC की ट्यूब लेनी है, 20 वॉल्यूम के साथ उसकी मिक्सिंग करके दोबारा आपने लेंथ पे लगा देना है। ये परेशान नहीं होना कि हमारी लेंथ पे अभी कहीं कहीं वाइट बाल आपको नज़र आ रहे हैं तो आप दोबारा एप्लीकेशन आपको मसला लगेगी। लेकिन अगर आपने क्लाइंट को काम अच्छा करके देना है तो अगर आपका कोई वाइट बाल रह भी गया है तो आप दोबारा उसके ऊपर 20 वॉल्यूम के साथ, 7UC के साथ 20 वॉल्यूम के एप्लीकेशन करें। ये इनका बिफोर था। ठीक है, पहले इस तरह के बाल थे, लेंथ में आपको नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे वाइट बाल हैं, तो उनकी कवरेज अच्छे से हो जाए उसके लिए मैंने दोबारा 7UC अप्लाई किया था विद 20 वॉल्यूम के साथ। और 1511 अप्लाई करना ज़रूरी है क्योंकि लेंथ पे भी हमें लाइट शेड नहीं मिलेगा। डार्क कलर के बाल हैं और उनको एकदम लाइटर में ले जाने के लिए हम ज़्यादातर 1511 1519 इस तरह के शेड्स यूज़ करते हैं 30 वॉल्यूम के साथ, ताकि हम आराम से 4 to 5 लेवल तक लिफ्ट कर सकें। ठीक है, इनका डार्क ब्राउन कलर था बालों का, नेचुरल इनका कलर था, कोई कट डाउन, कोई इन्होंने डाई नहीं लगाया हुआ था। तो जो डार्क कलर होता है उसको लाइटर में ले जाने के लिए 30 वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं या 40 वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ लेंथ पे। तो जो मैं बातें कह रही होती हूँ, आप अगर आप गौर से सुनेंगी तो आप इजीली एप्लीकेशन कर सकती हैं, इजीली कलर बना के लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इसका फाइनल रिज़ल्ट था। आप आई होप आपको ये कलर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।